आपके लिए कंटेंट बनाएगा, ठीक है, एआई आपके लिए कंटेंट बनाएगा। और इंटरनेट में कंटेंट कितने किस्म का होता है, एक वीडियो होती है, इमेज होती है और टेक्स्ट होता है, ऑडियो भी लगा लो चलो, ठीक है, ये चार किस्म का कंटेंट होता है ना। तो आपकी मार्केटिंग इन्हीं चार किस्म से होगी, या तो आप वीडियो से मार्केटिंग करोगे, या तस्वीरों से करोगे, या लिखाई से करोगे, ऐसा ही है ना। तो आपने करना क्या है कि एआई टूल्स ऐसे यूज करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह, जो कि अनलिमिटेड आपको वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट बना बना के देते रहे इंसानों से अच्छे, बेहतर और सस्ता। अनलिमिटेड इंसानों से बेहतर, अच्छा और सस्ता, आपका तो काम बन जाएगा। यही तो काम करना है, ऐसा करना क्या है, वही तो कह रहा हूं। हमारे डिजिटल मार्केट, हम डिजिटल मार्केटर्स तो पर लग गए अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ईयर। कौन से टूल्स करने हैं मैं बता दूंगा आपको, इसमें परेशानी वाली बात नहीं, कोई इसमें परेशानी हो उसकी बात नहीं, राइट। सो अगेन, इसके लिए सीखे कैसे डिजिटल मार्केटिंग, देखो उसके डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है यूट्यूब में जाए, फ्री में खंगालना शुरू कर, बिस्मिल्ला। दूसरा तरीका है कि आपने किसी दोस्त से आप सीखें जिसको आती है, उससे गहरी दोस्ती करें, उससे बातचीत करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, खुद ही आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। और तीसरा तरीका है कि किसी को पैसे दें और उससे सीख लें, ठीक है जी। जिस बंदे ने कोई चीज यू नो आप खुद एक्सपीरियंस करके हासिल कर लियो, वो आपको खुद बैठकर वन ऑन वन आपको सिखाए। ये तीन तरीके हैं, इसके अलावा चौथा कोई तरीका है नहीं, राइट। अब हर बंदे की अपनी सलाहियत, अपने मामला, जिसमें आपको अच्छा लगे वैसे सीख, राइट। जब इसको सीख लें आप, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपना ऑनलाइन कुछ पैसा कमाने के लिए वो आपने ये वाला बिजनेस लॉन्च करना है, ई कॉमर्स का, ठीक है। अगेन, ये बिजनेस बहुत ज्यादा जल्दी आप स्टार्ट कर सकते, बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर सकते। देखो मेरे पास इस वक्त इस क्लास में 500 बंदे पूरे के पूरे मौजूद हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन होगा लाजमन, मैं अगर पूछूंगा ना हर बंदा हाथ खड़ा करेगा, सर हमारे पास है। जितना जरूरी आप इस बात को समझते हो ना कि आपके पास मोबाइल फोन है, और अगर खुदा ना खास्ता टूट जाए तो जितना जल्दी उसको बदलते हो दोस्तों, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप सबके पास अपनी अपनी एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। मोबाइल फोन से क्या, मोबाइल फोन के बगैर तो आप बड़े मजे से 10 दिन भी आप रह सकते हो, क्या मसले की बात है, राइट। लेकिन असल तो आपकी तो फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है दोस्त। हर बच्चे के पास, हर बड़े के पास, हर लड़के के पास, हर लड़की के पास, हर पढ़ने वाले के पास, हर जॉब करने के वाले के पास अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो वो बेचे एक्टिवली ऑनलाइन। बेचेगा कैसे, अपनी वेबसाइट हो, अपना पेज हो, कोई बड़ी बात नहीं। हर बंदे के पास जितना जरूरी मोबाइल फोन है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये है आप अपनी वेबसाइट होना, अपना पेज होना और उसमें अपनी एक प्रोडक्ट होना। कितना बड़ा काम है, देखो आप लाख अल्लाह से दुआएं करते रहो, आप तहज्जुद में उठते रहो रोजाना, या अल्लाह मुझे जो है ना कामयाब बना दे, मुझे मेरे महीने का गोल है 2 लाख रुपए, मुझे इतने पैसे अदा कर दे, ठीक है जी, पैसे का दरख्त से निकल के आएंगे, या आप एक दिन दरवाजा खोलोगे तो वो एकदम से सारे पैसे के सामने आपको एक वो पत्तों की तरह वो जो है ना वो हिलते हुए नजर आएंगे, ऐसा होगा क्या, ठीक है, ऐसा नहीं होगा सर। आपको कुछ बेचने के लिए आपका अपने पास रखना पड़ेगा सर, कोई चश्मा बेचना पड़ेगा, कोई चश्मा बेच रहा है, कोई बैग्स बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई यूनिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई कोई आप आपको इरादा करना पड़ेगा। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा दोस्त, पहली बात तो ये, ठीक है जी। तो अब आए ई कॉमर्स का बिजनेस में होता ही ये गेम है। मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट रखता हूँ, बैग्स, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा गोल है कि मुझे बैग्स बेचने हैं, महीने के 1 लाख रुपए कमाने। 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर 2,000 रुपए का मैं बैग बेचूंगा अपनी वेबसाइट में, अपने पेज में, तो मुझे कितने बैग्स बेचने पड़ेंगे, 50 महीने में। अब 50 बैग्स बेच दूंगा तो मैं 1 लाख रुपए सेल्स में कमा। तो भाई कैसे बेचूंगा मैं 50 बैग्स, क्या प्रोसेस इख्तियार करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो मैं आपको कोई कहानी यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा ना कि ये तरीका है, अच्छा बेच लो इस तरीके से कर लो और ये वो, अगेन कोई ऐसी सीन नहीं। जो काम मैंने किया आपको सिखा, मैंने यही प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, ठीक है जी, मैंने इसी के ऊपर अपना ई कॉमर्स का स्टोर बनाया था, जब हम काम कर रहे थे, सीख रहे थे, इसी के ऊपर स्टोर बनाया, ठीक है जी। एंड आई मेड मिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ यू नो सेल्स, आई एक्चुअली सोल्ड मिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ बैग्स। एक ही प्रोडक्ट थी बस, एक ही प्रोडक्ट और कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं। करना आपने क्या, सिर्फ एक सिंपल सा इरादा करें काम को शुरू करने का।
ट्राई कर लेना दोस्त। मैंने देखो ये आपके सामने, मैं आपको अगेन कोई इधर उधर की बात नहीं करता, मैं आपके सामने बोलता हूँ, ये मैंने एड बनाया था, ट्राई किया था, मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था अगले दिन उठूंगा तो ये फट चुका हो। आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं ट्राई कर लेना, ना चले तो ना चले, कोई मसला नहीं, कम से कम ये तो होगा ना अपने जमीन को मुतमईन करने के लिए हमने यार वक्त निकाला, हमने कुछ काम किया, आपको खुद खुशी होगी। लेकिन इंशाल्लाह याद रखना, अगर आप ट्राई करोगे ना, अगर भले वो चीज ना चले, उससे कोई दूसरी राह निकले, उससे कोई दूसरा रास्ता निकलेगा, वो खुद आपको आगे लेके चलेगा। देयर इज मैजिक इन एक्शन। एक्शन लेने वाले लोग दुनिया में बड़े कम है सर, बहुत कम है। जो दुनिया चेंज होती है ना, ये इन्हीं चंद लोग हैं जो एक्शन लेते हैं, उन्हीं की वजह से हो रही है, बाकी सब कॉम्प्लेसेंट है। सुबह जाएंगे शाम, सुबह जाएंगे शाम, सुबह जाएंगे, ये वाला हिसाब चल, रोबोट की तरह जिंदगी। ठीक है जी, सो अगेन लेट मी शो यू कि आपने करना क्या है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। ठीक है जी, अब प्रोसेस करना क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर प्रोसेस समझाता हूँ, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा। ठीक है, एक एक चीज आपके सामने ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि जी करना कैसे काम आज शाम से शुरू। ठीक है जी, तो अगेन ई कॉमर्स का बिजनेस लॉन्च करना है हमें। ठीक है, अच्छा ये जो बिजनेस है इसको लॉन्च करने के लिए आपको देखो शुरू में दो काम ये करना है कि आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है और आपको अपने पेजेस बनाने हैं। और इससे इससे आसान काम भी कोई नहीं है ना दोस्त। आई मीन इट्स वेरी सिंपल कि आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाए, जैसे कि मैं आपके सामने ये रखता हूँ, ये एक मिनिमलिस्ट सा ऑनलाइन स्टोर है, इसमें कोई रंग रलिया नहीं है, कोई रंगबाजी इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ऑनलाइन स्टोर है। इस किस्म का ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, इससे ऊपर नहीं ना लगना, बिल्कुल मिनिमलिस्ट। कैसे बनाएंगे, या तो वर्डप्रेस में बना लें या शॉपिफाई में बना लें, जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको दिल जाए। ठीक है, बच्चे बच्चे बनाते हैं, आप सब बना सकें। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि आप अपना पेज बनाएं, कहां पे, फेसबुक में और इंस्टाग्राम, दो जगह पे कम से कम। ठीक है, उसके बाद अब हमें अपने बायर्स को पहचानना है। ठीक है, हमें अपने बायर्स को पहचानना है, यानी कि मैं बेच रहा हूं ये बैग्स ना, ठीक है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे खरीदार कौन है, मेरे बायर्स कौन है। आई शुड नो दैट, राइट। सो अगेन मुझे पता है कि यार मैं अगर बैग्स बेच रहा हूँ, मेरे खरीदार कौन है, फीमेल्स हैं, या वो फीमेल्स हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, या वो फीमेल्स हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या वो फीमेल्स हैं जो कि फैशन में इंटरेस्ट रखती हैं, या वो फीमेल्स हैं जो कि ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करती हैं, मेकिंग सेंस। तो ये फीमेल्स मौजूद कहाँ है ऑनलाइन, तो अगेन मुझे पता है कि सारे के सारे मेरे बायर्स कहाँ मौजूद है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है जी, टिकटॉक में, यूट्यूब में, गूगल में। देखो आप लोग AI का बड़ा शोर सुनते हो ना, ठीक है, सुनो, मैं भी सुन और सीख भी रहा हूँ, खाली सुन नहीं रहा, रोजाना सीख रहा हूँ। मैं तो आपके सामने इसके ऊपर पूरी पूरी अपनी प्रॉम्प्ट की डायरेक्टरीज बना रहा हूँ, इधर अलग मेहनत चल रही है, इधर अलग मेहनत चल रही है, ठीक है जी। तो पॉइंट इज लेकिन इसका चार्ट देखो 2023 का जुलाई चल रहा है, मैं आपको एक डेट देता हूँ, मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आपसे कर रहा हूँ कि जुलाई 2024 आधा जून तक, यानी कि 2024 के बाद इसका कोई जोश और वलवला नहीं होगा, वो हाथ से चीज पर अभी नॉर्मल हो गया होगा, ठीक है जी मामला। लेकिन एक चीज है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, और वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। आपकी स्किल के अपनी वेबसाइट में आने वाले लोगों के पर्स आप खुलवा रहे हैं, आपकी स्किल के वेबसाइट में आने वाले लोग आपको पैसा देकर रहे हैं, आपकी स्किल के वेबसाइट में आने वाले लोग वेबसाइट को बंद ना करें इससे पहले कि आपको पैसा दें। अगर आपके पास ये हो गया तो आपके पास दुनिया में और परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन एक नहीं होगी, पैसा कमाने की। इसका डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है जी। सो द पॉइंट इज आपने करना क्या है, लेट सपोज मिसाल के तौर पे हमने फेसबुक से स्टार्ट किया, ठीक है, लेट सपोज हम फेसबुक में क्या करते हैं, अपना एड बनाते हैं, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, जस्ट बी विद मी ओवर हियर। हमने अपना फेसबुक में एड बनाया, और ये जो एड होगा ना, इसमें अगेन होगा किस किस्म का एड, मिसाल के तौर पे मैं ये बैग अगर बेच रहा हूँ और बैग मेरे पास मौजूद है, मैं होलसेल मार्केट से लेकर आया हूं, तो मैं इसकी वाइट बैकग्राउंड में, जैसे आप ये देख रहे हो, अच्छी सी पिक्चर लूंगा, ठीक है जी। और ये जो पिक्चर है, इस अगेन ये इस पिक्चर को मैं एड रन करूंगा फेसबुक में और अपनी ऑडियंस को ये एड दिखाऊंगा, यानी कि मेरी ऑडियंस में कौन है, फीमेल्स है। जब ये फीमेल्स फेसबुक में लॉग इन करेंगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगी, उनको ये मेरा स्पॉन्सर्ड एड दिखेगा जिसमें इस बैग की बहुत खूबसूरत सी पिक्चर है, राइट। और अगेन मिसाल के तौर पर अगर एक दिन में इस एड को 100 फीमेल्स ने क्लिक किया और आपकी वेबसाइट को विजिट किया,
वेबसाइट को विजिट करने के बाद मजीद बैग की पिक्चर्स देखी, प्राइस देखी, डिलीवरी चार्जेस देखे, रिव्यूज देखे, अच्छा लगा, 100 में से 2 फीमेल्स ने अगर खरीद लिया, आपने कितने पैसे कमा लिए? अगर 2200 रुपए का आप बेच रहे हैं, आपने 4400 रुपए सेल्स में आपने कमा लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये सिंपल सा, बिल्कुल मैं आपको क्या बोलूं, बिल्कुल सादा सा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे भी नहीं छोड़ रहा, मैं आपको एक एक चीज इसमें से तोड़ कर बताऊंगा कि आपने करना क्या। ठीक है, अब एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, पेन और पेपर अपने पास संभाल। सबसे पहली चीज आपके पास आता है ये एड। देखो, मैं आपको फेसबुक एड सिखा सकता हूं क्या एक घंटे में? मैं क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा। ठीक है, आपको हफ्तों नहीं महीनों, बल्कि आपको तो एक कंटिन्यूअस पढ़ते रहना पड़ेगा। तो मेरा मकसद आपको यहाँ पे फेसबुक एड सिखाना नहीं है, मेरा मकसद क्या है, आप जब जाएं तो काम शुरू करें। तो मेरा मकसद है वो मेथड सिखाना कि जिनसे जल्दी आप काम शुरू, ये बात याद रखिए। तो अगेन, इसके लिए आपको फिर तीन चीजें याद रख, किस किस्म का एड बनाना है, तीन चीजें ख्याल रहे। नंबर वन, कोई महंगे इक्विपमेंट का इंतजार ना करें। ये अल्लाह ताला जब आप पैसे देंगे तब काम शुरू करेंगे, अभी तो पैसा मोबाइल है नहीं अच्छा, या फिर अभी तो DSLR है नहीं, जब आएगा तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब बहाने हैं, आपके पास जो मोबाइल फोन है वो काफी है, उसी से आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लेंगे। पहली चीज, जो मोबाइल फोन है वो काफी, उसी से प्रोडक्ट की पिक्चर्स आप लेंगे। दूसरी चीज, ये आपने मिस नहीं करना, वो ये है कि आपने अपने कामयाब कॉम्पिटिटर्स को देखना है। दोस्तों, याद रहे इस बात को, देखो आपने अपनी अकल से और AI की अकल से नहीं चलना, इस बात को याद रखिएगा प्लीज, इस बात को याद रखिएगा। आप देखो, अगर इरादा कर रहे हो ना कि आप बैग बेचकर कामयाब बनो, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो उन्होंने ये इरादा किया था और कामयाब बन चुके हैं। आप ही के स्टेज में थे एक बार, आज वो कामयाब बन चुके हैं, यानी कि आपके कामयाब कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसे 5 लोगों को निकालो, ऐसे 5 कॉम्पिटिटर्स को निकालो, उनको फॉलो करो कि वो कर क्या। समझ आई बात? कि आपने 5 कामयाब कॉम्पिटिटर्स को निकालना है जो पिछले 5 सालों से कामयाबी से बेच रहे हैं, आपने उनको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मतलब उनके फेसबुक के पेज को फॉलो करना है, या उनका फॉलो का जो बटन आता है फेसबुक वो क्लिक कर लाइक कर लेना, ये करना है? नहीं, आपने करना क्या है कि उनके एड्स को देखना है। क्या देखोगे आप एड्स में उनके? यार, वो किस किस्म के बैग्स बेच रहे हैं, किस स्टाइल के बैग्स बेच रहे हैं, किस साइज के बैग बेच रहे हैं, किस कलर के बैग बेच रहे हैं, इमेज से बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, वीडियो से बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, फॉलो देम। देखो, दुनिया में कामयाब बनने का आसान तरीन रास्ता क्या है? कामयाब लोगों को फॉलो करना शुरू कर दे। और एक बात याद रहे, बड़ी मजे की बात आपसे मैं बोलने जा रहा हूं, बड़ी हिकमत है इस बात। देखो, सबसे पहले तो हमें खुद ये देखना है, क्या हमें कामयाबी पसंद है? देखो, आप अपने लिए वो चीज कभी पसंद नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं हो। क्या आपको कामयाब लोग पसंद है या नहीं है? आपके खानदान में, आपके दोस्तों में किसी को अच्छी बड़ी जॉब लग जाती है, माशाल्लाह 5 लाख रुपए पर मंथ में उसका कारोबार और दुकान चल जाता है, दिल में खुशी होती है कि यार बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह यार अल्लाह ताला आप कामयाब, मैं भी लाइन में लगा हूं, इंशाल्लाह मेरा नंबर भी आ ही जाए, है जी। या तो वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह, भाई अभी ये कैसे बनेगा कामयाब, कोई रास्ता मिले इसको नीचे गिराना है यार, क्यों ये, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ उठा के, ये कामयाब बन गया था, इसने तो पढ़ाई भी इतनी की मैंने की है। तो देखो, आपको फिर कामयाब लोग पसंद नहीं है। जब आपको कामयाब लोग पसंद नहीं है ना, तो आप कभी कामयाब बन ही नहीं सकते, ये लिख के ले लीजिए मेरी बात। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपको खुद नहीं पसंद कामयाब लोग, तो आप अपने लिए वो चीज पसंद नहीं करोगे जो आपको पसंद नहीं है। समझ आ रही बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो, कोई बंदा कामयाब बना तो सबसे पहले उसके लिए खुश हो रहा है, ठीक है? आपका कोई घर में, कोई भी दोस्त में, अगेन बी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज अगेन तभी आप कामयाब बन सकते हो, क्योंकि आपको कामयाब लोग पसंद आएंगे। सो अगेन, एक बहुत अजीब सी बात है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल, आपने अपने कामयाब कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करना है। कैसे करोगे? पूरी स्ट्रैटेजी आपको दूंगा, कोई परेशानी वाली बात है। उसके बाद तीसरा काम क्या है कि आपने डिजाइनिंग के लिए ना कैनवा के, यानी कि कुछ AI टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे कुछ टूल्स का बताता हूँ। ये तीन चीजें ख्याल में रहिएगा, ठीक है? ख्याल में रखिएगा इसको। तो अगेन, अगर मैं यहाँ पे कैनवा का टूल खोलता हूँ आपके सामने, ठीक है? ये टूल अगेन बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है? लेकिन अगेन, इसमें एक बड़ा अच्छा टूल है, आई डोंट नो वो हिडन टूल है या मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मुझे वैसी चीज समझ नहीं आती। तो अगेन, अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे लिखो कैनवा मैजिक डिजाइन, तो एक बड़ा कोई शानदार टूल है यार, मैं मुझे तो बहुत मजा आता है इस टूल को यूज करके। ये एक फ्री टूल है। अब आप देखो यार, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं क्या कंपैरिजन करने बैठ जाऊं। ट्राई मैजिक डिजाइन में क्लिक करो, ठीक है? और यहां पर आने के बाद आपके सामने एक बेसिकली ये टूल ओपन होगा,
मैजिक डिजाइन का, ठीक है। सो अच्छा ओके जी, एक मिनट, ठीक है। अब यहां पर मैं अपना नेट भी चेंज कर दूंगा अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन डोंट वरी, विल डू दैट। अब देखो यहाँ पे ट्राई मैजिक डिजाइन आ रहा है। ट्राई मैजिक डिजाइन में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंसर्ट मीडिया का बटन आ रहा है, इसमें आपने क्लिक किया, और इंसर्ट मीडिया में क्लिक करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर को अपलोड करोगे जो कि आपने अपने मोबाइल फोन से बनाई होगी, खींची होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप बैग्स का काम कर रहे हो, तो आपने व्हाइट बैकग्राउंड में ये पिक्चर आपने खींची अपने मोबाइल फोन से, तो आप क्या करोगे, इसको आपने सिर्फ यहाँ पे अपलोड किया और क्लिक कर दिया, और कैटेगरी में जाके आपने लिखा कि मुझे फेसबुक एड्स चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देखो, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स, अब आप देखना ये कुछ 1-2-4 सेकंड लेगा, और 2-4 सेकंड में ये कुछ ना कुछ बनाकर आपको देने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये आपके सामने कुछ बना कर। अब मुझे बताओ, मुझे आप ही बताओ कि ये जो टूल है, आई मीन दिस इज ऑसम यार। ये देखो आप, मैंने इसको सिर्फ ये इमेज दी थी, मैंने नहीं बोला था कि यार इस तरीके से अच्छा सा बॉर्डर बनाना, इस तरीके से डिजाइनिंग करना, इस तरीके से जो है ना वो आपका, अल्लाह वाला करे, आप इसकी वो करना, फॉन्ट लिखना, मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये सब इसने मुझे करके दिया, वो भी कितने में, फ्री में। आप किसी इंसान से कराओगे कम से कम 500 रुपए तो लेगा वो, ऐसा है कि नहीं। किसी, आप ये हिम्मत भी नहीं कर सकते ना मजाल किसी इंसान से, यार ये बना दो, पैसे नहीं लेना यार, बगैर पैसे के बना। आपको शर्मिंदगी क्योंकि क्योंकि वो आगे वाला जज करेगा, एआई आपको कभी तो जज नहीं करेगा। हेंस भाई मेरे पास तो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है यार, मैं आपको दिखाऊं, आई हैव मेड अ लिस्ट, और आप अपनी लिस्ट बनाओ, इंसान बेहतर है या एआई, मेरे पास अपनी पूरी लिस्ट बनी हुई है सर, मेरा ट्रू फ्रेंड यही है, मेरे सारे मसले अल्हम्दुलिल्लाह एआई हल कर, सारे मसले हल, और इंसानों से बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मैं तो अब लिटरली चंद ही कामों के लिए इंसानों के पास जाता हूँ, बाकी तो सारे काम एआई, हजरत एआई जो है ना वो सबसे बेहतरीन है भाई, सीरियसली। मैं नेट चेंज कर लेता हूँ, काफी आप लोग बोल रहे, ठीक है, मैं यहाँ पे नेट दूसरा लगा रहा, ठीक है। वैसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा, अगर हो तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने नेट अपना चेंज कर लिया, तो अगेन द पॉइंट इज, ये मैंने विद द क्लिक ऑफ अ बटन उठा के मैंने पूरा का पूरा आपके सामने कैनवास से बना लिया। अब आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है, ये लो जी स्टाइलिंग चेंज करते रहो, मिनिमलिस्ट स्टाइल कर लो, स्टैटिक कर लो, स्टाइलिंग चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो, पूरा आपको नए नए डिजाइन मिलते रहेंगे। कितना टाइम लगा, फ्यू सेकंड, इंसान को बोलोगे हम फ्री और आफ्टर एआई, ठीक है। पहला काम तो आपका ये, दूसरा काम आपके पास मिसाल के तौर पर आपका डिजाइन बन के आ गया, दूसरा काम क्या है, ठीक है जी, दूसरा काम क्या है कि अब आपने फेसबुक में अपना बिजनेस मैनेजर बनाना है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास फेसबुक का अकाउंट मौजूद है, ये प्रो फीचर नहीं है अजमीर, ये आप बना सकते हो, डाउनलोड करने के लिए प्रो तो $5 डाल दो यार, इसमें कितना वक्त लगता है। अगेन कितने लोग हैं जिनका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक का प्रोफाइल है, अकाउंट है, यूज करते हैं रोजाना, कितने लोग हैं, टाइप यस मी वन वट एवर, कितने लोग हैं जिनके पास फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक यूज करते हैं रोजाना की बेसिस में, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सब लोग हैं, किसी ने नो नहीं बोला, एवरीवन, राइट, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अब कितने लोग हैं जिनके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है, टाइप डीएम, बिजनेस मैनेजर है, एड, अगेन आपने एड्स रन किए हैं फेसबुक में, जिसने नहीं किया वो कुछ लिखे नहीं, जिसने किया है वो लिखे बीएम, जिसने नहीं किया वो कुछ नहीं लिखे, जिसने लिखा है वो लिखे बीएम। 500 में से मुश्किल से 15 या 20 लोगों ने बोला है या 25 लोगों ने बोला है कि बीएम है, 500 में से 25 की औसत नहीं, तो कोई वजह है ना जिसकी वजह से हमारा हाल बुरा है, बिला वजह तो सब कुछ नहीं हो रहा, हमारे हालात बिला वजह तो नहीं आ रहे, लोगों की जिंदगियां देखने से तो आपका कुछ टाइम फायदा नहीं होगा, राइट। फेसबुक में मैं आपको अपना फेसबुक का प्रोफाइल भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, 2016 या 15 में गालिबन शायद, बिल्कुल मैं इतना याद भी नहीं है, लास्ट पोस्ट हुआ था, उसके बाद आई सेड बाय बाय, जा रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह 5-6 साल बाद कुछ ना कुछ उखाड़ने के बाद, अब लेकिन दिल भी नहीं जाता ठीक है जाने का। पॉइंट इज दिस इज इट, सो अगेन आपने था बीएम बनाना है, बिजनेस मैनेजर, वो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू business.facebook.com, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप गए और अपना अकाउंट बना, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हर बंदे का अपना ये अकाउंट होना चाहिए, खास तौर से इस क्लास के बाद तो सबको जरूरत पड़नी है, लाजमन हर बंदे का अपना अकाउंट होना चाहिए, तो अगेन इट्स वेरी
इंपॉर्टेंट कि आप अपना ये अकाउंट बनाएं। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे ना तो उसकी शक्ल और सूरत कुछ इस तरीके से देखेगी आपके सामने। एक सैंपल अकाउंट है, अपनी बिलिंग वगैरह यहाँ सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे, क्रिएट का बटन दबाएं और अपनी कैंपेन को स्टार्ट करें। ठीक है जी, आपके पास ये 6 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको फेसबुक नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, लाइन में लगी डालिए 1, 2, 3, 4, 6 महीने और वो वर्थ इट होंगे, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह बदल जाएगी उसके बाद। लेकिन अगेन मैं नहीं बदल सकता 2 घंटे में, अब तो 1 घंटा रहेगा। सो अगेन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्लास के बाद आपका काम शुरू हो जाए, विच इज एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू प्रेस करें और आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे आप बढ़ेंगे, सबसे पहले बोलेगा जी कैंपेन का नाम दो, दे दें कुछ भी, फिर आगे बढ़े। अब ये बोलेगा कन्वर्जन लोकेशन, इसको समझिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसको समझें। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, मैसेजिंग एप्स। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया हुआ है तो अभी जो आपने कैनवा से एड बनाया था ना, उस जो भी जिस इस किस्म का एड था, प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस हो रही थी, प्राइस यहाँ पे लिखी हुई थी, व्हाटएवर, इस किस्म का एड जो हमने बनाया था, अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर एक बटन लग जाएगा जिसमें लिखा होगा व्हाट्सएप मी या मैसेज मी। यानी कि जिसको भी आपकी ये प्रोडक्ट पसंद आएगी उसको खरीदना होगा, उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी, वो इस बटन क्लिक करेगा और डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप में वहां से आप उसको कन्वर्ट करेंगे। ये है पहला ऑप्शन जो आपने यूज करना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑन योर एड, यानी कि जो एड अभी हमने कैनवास से बनाया था, प्रोडक्ट की पिक्चर लगी थी, प्राइस वगैरह भी हमने बनाया था कैनवास से आपके सामने, तो फेसबुक क्या करेगा कि इस एड में इंगेजमेंट फेंकेगा, यानी कि आपके पास कमेंट्स आना शुरू होंगे, आपके पास रिएक्शंस आएंगे, लोग इसको शेयर करेंगे, लोग आपके व्हाट्सएप में आएंगे, लोग आपकी वेबसाइट में जाएंगे, हजार किस्म की चीजें होंगी, राइट। तो ये दो ऑप्शंस हैं जो आपने यूज करने हैं, ये तीन नीचे के ऑप्शंस यूज नहीं करने, वेबसाइट नहीं, ऐप नहीं, फेसबुक का पेज नहीं। और अगर ये दूसरा ऑप्शन यूज करें तो एंगेजमेंट टाइप में आकर पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब आप नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले रुके ऑडियंस के टैब। ठीक है, अब ये ऑडियंस टैब में समझिएगा चीज को, देखो मैं क्या बेच रहा हूं, बैग। मैं क्या बेच रहा हूं, बैग। कौन खरीदता है बैग, फीमेल्स भी खरीदती हैं, मेल्स भी खरीदते हैं। ठीक है, तो मैंने अक्सर लोगों को ऑल में कैंपेन रन करते हुए देखा कि दोनों को मेरा एड दिखाओ, मेल्स को भी दिखाओ, फीमेल्स को भी दिखाओ। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट, क्या हुआ था उनके साथ मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतों में होता रहा है। ठीक है जी, सो द पॉइंट इज, देखो अगर आप मेल्स के ऊपर कैंपेन भी रन करोगे ना तो एक अलग से कैंपेन रन करोगे, थोड़े से बजट के साथ आप अपने कैंपेन का बेड़ा गर्क नहीं करोगे, राइट। सो यू विल टारगेट ओनली फीमेल्स, राइट, डेफिनेटली। ठीक है जी, उसके बाद एज ब्रैकेट। एज ब्रैकेट में आपने करना क्या है, ठीक है जी, देखो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप 18 साल से 65 साल के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट मिले जब मैंने 24 साल से ऊपर की आवाम को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22 साल में पैसा नहीं, जब पैसा होगा नहीं तो देंगे कैसे, और अगर होता भी है तो इजाजत मांगनी पड़ती है, और अगर ले भी लिया जाए तो बाद पछतावा भी हो जाता है, बाद पसंद नहीं आता किसी, राइट। सो द पॉइंट इज, इन ऑडियंस को मैंने हमेशा इग्नोर किया है, मुझे अगेन हमेशा अच्छे रिजल्ट मिले 24 साल से ऊपर की आवाम, या मैक्सिमम चलो 23 साल कर, ठीक है जी, और यहाँ पे 55 से कम, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, लोकेशन में पाकिस्तान को पूरा हम टारगेट करेंगे, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा क्यों, सिंपल रखें बिल्कुल, यानी कि मैं टारगेट कर रहा हूं फीमेल्स को, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो सकती है, एज में 23 से अबव है, 55 से बिलो है, मैच्योर ऑडियंस। ठीक, कितनी फीमेल्स हैं ऐसी, तकरीबन 80 लाख, समझ, 80 लाख फीमेल्स हैं जो फेसबुक मौजूद है इस वक्त, यानी कि मैं अगर व्हाइट बोर्ड में जाके यहाँ पे लिखता हूं तो मेरे पास कितनी ऑडियंस बनी, 80 लाख की ऑडियंस बनी। अब आ जाओ असल काम पे, ये सारा काम हो गया, अब हम यहाँ, ठीक है, अब आप करोगे मेरे साथ मनी मैथ्स, यानी कि अब आप करोगे बजटिंग। ठीक है, बड़ी मजे की बजटिंग, आ जाए दोबारा फेसबुक एड्स के उसमें ऊपर आए, ये बजटिंग का ऑप्शन आ गया। इसमें सब पहले आपने ये डिसाइड कर, आप 300 रुपए से, 350 रुपए से, 250 रुपए से स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह करो। ठीक है, अब आप अगेन मैं आपको अपनी बात बताऊं, या 300 रुपए में आजकल क्या आता है, ठीक है, 300 रुपए में मैं तो उस हिसाब से देखता हूँ कि अगेन ऑनेस्टली स्पीक, अगर आपको एक बर्गर भी चाहिए होगा वो 300-350 रुपए का, अब तो बर्गर भी नहीं आता, आपको एक टिक्का भी चाहिए होगा, मुझे हैरान होगी टिक्के की कीमत 350-400 रुपए हो चुकी, हमारे जमाने में 120 और 200 का कुछ होता था, और अगेन मैं हमारा जमाना बोलता हूँ तो ऐसा लगता है मैं कोई बहुत ही बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठा हुआ, मानने की ऐसा कुछ भी नहीं है, आज से 5-6 साल पहले, 8 साल पहले कितने का था, वैसे ही था। पॉइंट इज, 300 रुपए में आप अपने काम को शुरू करो, जो कि एक बर्गर की कॉस्ट है,
जो कि दो अंडे वाले बर्गर की कॉस्ट है। सीरियसली मेरे हिसाब से हर बंदा है जो ये काम शुरू कर सकता है। 100 रुपए तो यार एक बच्चे को भी ऑफिस ऑफिस कर रहा हूँ स्कूल जाते मिलते बेटा पापड़ खा लेना और ये खा लेना वो खा लेना, 50-100 रुपए तो हर कोई लेके जाता। वो बच्चा भी अपना काम शुरू कर सकता है अगर वो 2-3 दिन कुछ अपने कुर्बानी दे। कुर्बानी तो सर देनी पड़ेगी ना, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुर्बानी तो दूर की बात है, प्लूरल में, ठीक है, जमा का सीगा लगेगा इसमें, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सो द पॉइंट इज 300 रुपए अगर आप डालते हो, हिम्मत करते हो, और मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रही है तो मैं आप बड़ी जो पिच कर रहा हूँ ना, तकरीर कर रहा हूँ कि मेरे बैंक में कुछ बढ़ेगा, मुझे एक ढेला इसमें नहीं मिलेगा, ये फेसबुक बाबा के पास ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 300 रुपए जब आप डालोगे ना, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट होगा बहुत जबरदस्त। देखो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था सर, 150-150 रुपए डालते थे, डरते थे, अरे यार 150 रुपए डाल दिए, आज सेल कितने, चलो शुक्र है 5,000 की सेल होगी, शुक्र शुक्र, या 2,000 की 3,000 की सेल होगी, ठीक है जी। लगता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डर निकल, पैसा नहीं कमा ठीक है, एक पैसा जो डरा हुआ होता है ना वो कोई पैसा बना के, दिस इज ठीक है। 300 रुपए आप डालेंगे, आपके पास कितना पैसा, आपके पास कितना जो है वो ऑडियंस आपके ऐड करेगी, 1,000 रुपए से, सॉरी 1,000 से लेके 3,000, समझे, 3,000 फीमेल्स आपके ऐड को देखेंगी अगर आप 300 रुपए फेसबुक को दें। अब आप आ जाए, मैं आपके सामने एक फनल बनाता हूं कि आपको क्लियर बिल्कुल समझ आ जाए चीज। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो ये कैनवा से बनाया था आपके सामने, ठीक है, 100 रुपए डालने के बाद ये इश्तेहार कितने लोगों को देखा, मिसाल के तौर पे 2,000 फीमेल्स को देखा एक दिन में, 2,000 फीमेल्स ने ये इश्तेहार देखा, ठीक है, और आपने वो चीज फॉलो की होगी जो मैंने बोली है, अभी बताऊंगा वो क्या चीज है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2,000 फीमेल्स ने आपके ऐड को देखा, 2,000 में से 100 फीमेल्स ने आपके ऐड को क्लिक किया, ठीक है, वो क्या चीज है जो मैंने बोला था आपने फॉलो करनी है, वो क्या चीज है जो मैंने बोला था कि आपने वो भूलनी नहीं है, वो है कि अपने कामयाब कंपेटिटर्स को देख के ऐड को बनाना है। तो अगर आपने वो फॉलो किया होगा, मिसाल के तौर पर 2,000 फीमेल्स ने आपके ऐड को देखा, 2,000 में से 100 फीमेल्स ने आपके ऐड को क्लिक किया और आपकी वेबसाइट को विजिट किया, वेबसाइट में 4 चीजें होना लाजमी है। सबसे पहली चीज लिख लीजिए, इसको मैं डाल दूंगा, मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। नंबर 2, आपके पास 4 एंगल से प्रोडक्ट की पिक्चर होनी चाहिए और हाई क्वालिटी पिक्चर होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास पिक्चर रिव्यूज होने चाहिए। नंबर 4, आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हाई क्वालिटी और प्राइसिंग जबरदस्त होनी चाहिए। ये 4 चीजें नहीं है तो आपको कंप्लेन करने का हक नहीं पहुंचेगा, सर हमारे तो सेल ही नहीं होती, सर आपका कुछ किसी और का नहीं, राइट। उसके बाद 100 में से आपने ये सब चीजें फॉलो करी, अगर 2 फीमेल्स ने खरीद दिया, आपने कितने पैसे कमाए, 4,400 रुपए। अब आ तो ये मनी मैच क्या बोलती है, समझो उसको, मैंने कितने पैसे डाले, 200 रुपए डाले ना आपके सामने, यही पे पूरा हमने वही मैथ की है, 200 रुपए डाले, मैंने कितनी सेल्स करी, 2, कितना पैसा सेल्स में कमाया, 4,400 रुपए सेल्स में, अगर 2,200 रुपए का बैग है, 4,400 रुपए, यानी कि मैं 1,00,000 रुपए पर मंथ तक पहुंचू। अब एक बात को समझिएगा कि आप जितनी भी मेहनतें करेंगे ना ई कॉमर्स में, ये जो शामियाना आप लगाओगे ई कॉमर्स का, ठीक है, ये सिर्फ इस एक लाइन की वजह से आप ये काम करोगे, सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन की वजह से, ये एक लाइन, कितना पैसा डाला और कितना पैसा निकाला। रात के वक्त बैठकर आप ये मैथ करोगे, जाहिर सी बात है बेटा, जब आप अपना नया काम शुरू करोगे ना, 300 रुपए डालते हुए भी आपको दुख होगा, 400 रुपए, तो आप रात के वक्त ये कलम और पेपर और कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे, फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड को देखोगे, अबे यार 400 रुपए गए, सेल्स कितनी, 2 हुई, अच्छा प्रॉफिट भी 1,500 रुपए बन गया, 400 रुपए में 200 रुपए डाले, 1,500 रुपए प्रॉफिट बना, खुश है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह कल काम फिर शुरू करेंगे, राइट। लेकिन ये वो एक आग है जो आप जला दोगे, देखो ये कितना छोटा काम लग रहा है अभी इस वक्त ना, ठीक है, अब सोचो इसको आपने किया क्या है, यहाँ पे ये एक आग लगा दी आपने, अब सिर्फ इस आग को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, बारूद डालना पड़ता है, ऐसा ही है ना। अब आप इसका बारूद क्या है, पैसा। अब आपके पास एक सिस्टम बन गया, एक तरीका बन गया, एक प्रोसेस बन गया, एक मेथड बन गया, आपने क्या करना है, डालो इस पे पैसा, क्योंकि आपको पता है पैसा तो कमा रहे हो, 200 रुपए डाल के 4,000 सेल का भी आज, फिर अगले दिन आप बोलोगे चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, 400 रुपए डाल, ज्यादा फीमेल्स का ऐड देखेगा, ज्यादा लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, ज्यादा सेल्स होंगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है, 4 सेल्स होंगी, आपने 8,800 रुपए सेल्स में कमाए, ठीक है जी। ये है वो चीज जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, यानी के ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। मैंने वही बोला ना, आपके पास और परेशानी 1,000 होंगी, उसका हाल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये परेशानी फिर नहीं होगी कि यार पैसा कैसे कमाए, राइट। सो अगेन आपको बताया कैसे आपने
बेचना है, पूरा बेचने का तरीका आपको मैंने बताया एड मैनेजर पे जाके, साथ में आपको एआई से डिजाइनिंग करना भी बता दी, किस तरीके से बेचना है प्रोसेस पूरा आपको समझा दिया। अब ये भी सुन लीजिए बेचना क्या है, ताकि आपको ये ना हो कि ऐसी प्रोडक्ट बेचे तो बिक ही नहीं सकती है और बेचने का फायदा भी नहीं है उसका फिर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका, ठीक है, इसको समझिएगा बड़े गौर से। प्रोडक्ट हंटिंग बड़ी आसान है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो आपने गौर करनी है वो क्या है, ऐसी प्रोडक्ट आपने बेचनी है जिसपे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 1000 रुपए से ऊपर होगा, एक सेल में प्रॉफिट 1000 रुपए से ऊपर, लाजमन इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात यह कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो कम होनी चाहिए 4000 रुपए, 1000 रुपए प्रॉफिट होगा जेब में और आप बेचोगे उसको 4000 रुपए से कम में, 3000 में, 2500, व्हाटएवर। उसके बाद किस किस्म की प्रोडक्ट होगी, सबसे पहली बात मास अपील की प्रोडक्ट, यानी कि जिसकी ब्रॉड ऑडियंस, यानी कि आपने आज बेचने का इरादा किया ना, आइंदा 20 साल तक भी आप बेचते रहो, ठीक है, अपने कारखाने डाल दो, मैन्युफैक्चरिंग लगा दो, फिर भी ऑडियंस खत्म नहीं हो। मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स में काम करने का मजा आता है। मिसाल के तौर पे ये बैग है, अगर मैं ये जिंदगी भर भी बेचता रहूंगा ना, मार्केट खत्म नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाली हर फीमेल मेरी पोटेंशियल कस्टमर है, इतना बड़ा साइज है मार्केट, समझ आ रही है। दूसरी चीज है इंपल्स बाइंग, ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि इंपल्स बाइंग, क्या मतलब है, खरीदने वाले की कोई नीड नहीं है, खरीदने वाले की कोई वांट नहीं है, सुबह वो इस तकलीफ से, इस कर्ब से नहीं उठा के आपकी प्रोडक्ट उसको खरीदी है, नीड है उसकी, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसी फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है, एकदम से आपका एड आया और उससे रहा नहीं गया, मुझे तो ये खरीदना है, मुझे तो ये घड़ी चाहिए, मुझे तो ये चश्मा पहनना ही पहनना है, पार्टी में यही पहन के जाऊंगा, मुझे ये कपड़े बहुत खूबसूरत लगे, ये तो खरीद नहीं खरीदने, 2000 रुपए के ऑर्डर प्लेस करें, राइट। ये किन कैटेगरीज में होता है, ये चार में होता है, लिख लीजिए, नंबर 1 फैशन कैटेगरी, नंबर 2 होम डिकोर कैटेगरी, नंबर 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नंबर 4 फूड आइटम्स, इन चार कैटेगरीज में इंपल्स बाइंग। उसके बाद जब आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो, अभी एआई से हम काम करेंगे, एआई से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाएंगे, तो आखिर में आपने क्या देखना है कि यार इस प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट करी है, आप जाके देखना कि भाई कोई बंदा, कोई कंपनी, कोई आप जैसा स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस ओनर कोई एड रन कर रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम में। अगर कर रहे हैं लोग एड रन, अगर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में एड, इसका मतलब है कि भाई लोग इसको बेचकर कामयाब बने हैं, आप भी बन सकते हैं, और अगर आप नहीं बने तो कसूर किसका होगा, आपकी मार्केटिंग का, कसूर प्रोडक्ट का नहीं है, लोगों ने वही प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा लिया। भाई मिसाल के तौर, मैंने बैग्स बेचे एंड आई हैव सोल्ड मिलियंस ऑफ रुपीस ऑफ बैग्स, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप भी बेच, अगर आप नहीं बेच पा रहे, कसूर किसका, प्रोडक्ट का नहीं सर, आपका है, आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती, सीधी सीधी सी बात है, बात अच्छी लगे बुरी लगे लेकिन सीधी बात यही है, राइट। सो द पॉइंट इज अब इसको अब एआई से कैसे करो, अब समझो उसको, ठीक है। अब पॉइंट इज जो है ना, ये आपकी मदद को आ चुका है, ठीक है, इसका चस्का डालें रोजाना, रात की रात में जब भी आपको टेलीको रात के वक्त ही टाइम मिलता है, रात के ना अपना इसमें ना वो डालो, अपना शेयर डालो, प्लीज डू दैट, मैं सिंसियरली कह रहा हूं, अपना शेयर डालो, उसके पास जितना टाइम है, एक सोच ले आ गई थकावट, 10:30 या 10 बजे मैं फिर आग खुली 11 बजे, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला नहीं जी, कोई मुझसे ज्यादा परेशान है तो मेरे पास क्या बहाना है जो मैं नहीं करता, मैं उठा जाके फिर बैठ के रात के 1 बजे फिर सोता, सीरियसली दैट्स हाउ इट वर्क, दुनिया ऐसे ही काम करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपसे ज्यादा परेशान और आपसे ज्यादा कमजोर और आपसे ज्यादा थका हुआ कोई इस वक्त बैठ के काम कर रहा होगा और वो आपसे जीत जाएगा सर, अगर आप इस वक्त आराम कर रहे हैं इसमें चिल मार के, वो आपसे जीतेगा, इसी तरीके से होता है, दुनिया उसी को अमूमी तौर पे आगे लेके जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। सो द पॉइंट इज वक्त डालने अपना इसमें, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे, और ये मैं प्रॉम्प्ट आपको इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है जी। अगेन अपने अपने प्रॉम्प्ट्स बनाओ भाई, अपने अपने प्रॉम्प्ट्स बनाओ, ठीक है, जिस तरीके, अब ये देखो एक प्रॉम्प्ट है, ये बेसिकली मैं आप बिल्कुल सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मैं अगेन 4 को यूज नहीं कर रहा, मैं 3.5 को कर लेता हूँ। ये प्रॉम्प्ट है क्या, बेसिकली इसमें मैं उसको बोल रहा हूँ कि जी 10 प्रोडक्ट के आइडियाज दो,
ठीक है, सिंपल एज दैट, कोई पंचायती सिंपल सब प्रोडक्ट, सिंपल सिटीज में इसको बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा ये कि होगा क्या, ठीक है, मैंने यहां पे इसको दिया, अब यहां पे ये मुझे कुछ ना कुछ चीजें देना शुरू, ठीक है। अभी देखो ये मेरे पास इसने क्या बोला, ट्रेंडी फैशन एक्सेसरीज, फोन गैजेट्स, होम डेकोर आइटम्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, किचन गैजेट्स, फिटनेस एक्सेसरीज, पेट एक्सेसरीज, नोवेल्टी गिफ्ट्स, ट्रैवल एक्सेसरीज, इसने आइडियाज देना शुरू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको और आइडियाज चाहिए ना, आप क्या करोगे, सिंपल सा टेल मी 10 मोर, आपको 10 और आइडियाज देगा, फूटवेयर बेचो, हॉबी एंड क्राफ्ट आइटम बेचो, सब कुछ। आप क्या करो, 50-100 लो, ठीक है, आप बोलो टेल मी 10 मोर, ठीक है, मजीद लो, ठीक है, आइडियाज। कोई इंसान थोड़ी है जो थकेगा, कोई इंसान थोड़ी जो आपसे आपको बुरा मानेगा, ठीक है, क्यों फिगर करते हो यार, ठीक है। तो अगेन और बोलो, बोलो टेल मी 10 मोर, ठीक है, और आखिर में थैंक यू भी बोल देना, ठीक है। तो अगेन आपके पास 40 प्रोडक्ट के आइडियाज आ गए, अब क्या करोगे, देखो ये कैटेगरीज आई है, अब आप ऊपर जाओ, ठीक है, ये 40-50 कैटेगरीज आ गई, अब आपने एक कैटेगरी को पकड़ो, कैटेगरी पकड़ी, कॉपी किया, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे एक्स्ट्रा करो, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा, या आपको ये देखो, ठीक है, देखो पॉइंट इज, इससे बात करना सीखो चैट जीपीटी से, ठीक है। तो अगेन मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी से प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, देखो जी क्या बोलता है, स्टेटमेंट ज्वेलरी बेचो, बैग्स एंड पर्सेस बेचो, हेयर एक्सेसरीज बेचो, वॉचेस बेचो, की चेन्स एंड बैग्स बेचो, नाइस, राइट। अब मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं, ठीक है जी, स्टेटमेंट ज्वेलरी, अब ये है क्या चीज, अब आप इसको सर्च करो, अगेन मुझे खुद नहीं पता, आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा, अच्छा यार कोई अलग चीज कोई लग रही है, ठीक है, ये देखो पाकिस्तान में लोग बेच रहे हैं सर स्टेटमेंट ज्वेलरी, आपको एक नई नीश मिल गई यार, राइट। सो अगेन दिस इज समथिंग, उसके बाद मजीद आगे चलो, ये देखो सनग्लासेस में जाओ, ठीक है, मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मजीद और एक्सपेंड मोर ऑन सनग्लासेस, ठीक है, अब आपको ये और सनग्लासेस की कैटेगरीज निकाल के दे, ठीक है जी, सनग्लासेस का काम शुरू करने का इरादा किया है ना, ये देखो लेंस मटेरियल बेचो सनग्लासेस में, ठीक है जी, पोलराइज सनग्लासेस बेचो, यूवी प्रोटेक्शन बेचो, मटेरियल एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, यूनिसेक्स बेचो, सीजनल ट्रेंड्स हो गए, ठीक है, वर्चुअल ट्राई ऑन अपनी वेबसाइट पे लगाओ, अगेन द पॉइंट इज इट्स गिविंग यू सो मेनी आइडियाज यार। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई एक सेलेक्ट करना है ना, बिस्मिल्ला करनी है आपने, कोई एक आप सेलेक्ट करो, मिसाल के तौर पे आप स्टेटमेंट ज्वेलरी करते हो, सनग्लासेस करते हो, नेक्स्ट काम आपका क्या होगा, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि आप गूगल में जाएंगे और जाके क्या सर्च करेंगे, बाय सनग्लासेस, क्यों, इसका जवाब कोई मुझे यहां पे दे यार, छोड़े वॉइस ड्रॉप हो रही है, आप इतनी पढ़ाई में तवज्जो दें, ऊपर नीचे हो रहा है कोई मसला नहीं, समझ आ जाएगा आपको, इसमें आप टेंशन, जितना आपको वक्त लगता ना ये लिखने में वॉइस क्लियर नहीं, उसमें आप समझ आ जाएगा, ठीक है जी, वेरी गुड, बस समझ आ रही लोगों को यार, दिस इज व्हाई आई लव टीचिंग दीस थिंग्स, एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर्स को देखने के लिए। तो आप वहां से अपने शीट बनाओ, गूगल शीट बनाओ, वहां पे कम से कम 20 कॉम्पिटिटर्स को नोट करो, मिसाल के तौर पे आप तो एक कॉम्पिटिटर मिसाल मिलता है, ठीक है, chashme.com.pk, आप उसकी वेबसाइट को विजिट करो, वेबसाइट को विजिट आप करो, तो अगेन अब ये पाकिस्तान में बेच रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बेच रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप पाकिस्तान, अब देखो ना यार, सोचो एक प्रोडक्ट है बेच बेच के वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पहुंच गए, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, पॉइंट इज एक प्रोडक्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इरादा करो दोस्तों, इरादा करो बेचने का प्रोडक्ट को, इरादा करो एक बार बेचने का, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। सो अगेन अभी देखो सनग्लासेस बेच रहे हैं, अगेन इट्स अ वेरी गुड नीश यार, ठीक है, ये देखो 3,000 रुपए के हैं, 2,600 रुपए के हैं, 2,600 रुपए के हैं, ठीक है, अगेन इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी होलसेल मार्केट क्या है, तो आप क्या करोगे, ये देखो आप जाओ यहाँ पे, मैं GPT-4 से पूछता हूँ, ठीक है, टेल मी 10 होलसेल मार्केट्स इन कराची या इन लाहौर या इन रावलपिंडी, अभी आपको यहाँ बताना शुरू करेगा, ठीक है, कि भाई कराची में जोड़िया बाजार है, ठीक है, कराची में जोड़िया बाजार में क्या मिलेगा वो बता देगा, बोल्टन मार्केट में क्या मिलेगा बता देगा, जैनब मार्केट में क्या मिलेगा बता देगा, ठीक है जी, पेपर मार्केट में क्या मिलेगा बता देगा, सब कुछ आपको यहाँ पे
जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है, लाइट हाउस मार्केट, ठीक है जी, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही है। काटरा नहीं, ये क्या है, काटरा मार्केट, इट्स अ मेजर होलसेल मार्केट फॉर टेक्सटाइल, ये क्या चीज है काटरा मार्केट। किसी ने नाम सुना है काटरा मार्केट कराची में? वीडियो का लिंक में किसी को नहीं अटेंड करना, क्लास भी अटेंड हो सकती तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, ऑनेस्टली 2 घंटे भी नहीं कुर्बान हो सकते तो कोई फिर कोई मदद नहीं कर सकता। काटरा मार्केट सुना है किसी ने? मैंने पहली बार सुना है कराची में रहता है, ये है क्या चीज, आई मीन कम ऑन यार, सीरियसली, दिस इज एआई फॉर यू, दिस इज एआई फॉर यू, ठीक है। सो पॉइंट इज, आपको होलसेल मार्केट भी पता चल गई, प्रोडक्ट के आइडियाज भी पता चल गए, अब हम देख रहे थे कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें इनकी वेबसाइट वगैरह नहीं देखनी, अगर मैं चश्मे बेचने का इरादा करता हूँ मुझे वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं, मैं जाऊंगा डायरेक्टली इनके फेसबुक के पेज में, मैं डायरेक्टली इनके फेसबुक के पेज में गया, ठीक है जी। और फेसबुक के पेज में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है जी, मैंने क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं देख, सबसे पहली चीज मैंने क्या देखनी है, मैंने ये देखना है कि लास्ट पोस्ट कब हुआ, ये देखो लास्ट पोस्ट 4 घंटे पहले हुआ, ठीक है, उसके बाद लास्ट पोस्ट कब हुआ है, उसके बाद लास्ट पोस्ट हुआ है 16 घंटे पहले, उसके बाद लास्ट पोस्ट कब हुआ है 22 घंटे पहले। सो द पॉइंट इज, दिस शोज कि यार ये पेज एक्टिव है, सबसे पहली चीज ये देखनी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज देखनी है कि अबाउट में जाकर ये पेज बना कब है, ये पेज बना है 2016 में, इसका मतलब है कि कितना टाइम हो गया सर, 4 और 3 7 साल हो चुके हैं इस पेज को बने हुए, कुछ ना कुछ तो सर उखाड़े होंगे 7 साल से फॉर श्योर, राइट। उसके बाद अभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ, यकीन मुझे कब होगा जब मैं ये This page is currently running ads. इसका मतलब है पिछले 7 सालों से ये काम कर रहे हैं और 7 सालों से कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं और एड्स भी रन कर रहे हैं अभी तक, यानी कि पैसा डाल रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, इसका मतलब है सर ये चश्मे बिक रहे हैं। अब आप ये देखो यहाँ पे क्लिक करो सी ऑल में, गो टू एड लाइब्रेरी, अब आप अपनी एनक लगाओ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। अब आप ये देखो, ये है तरीका पैसा कमाने का, जो मैंने बोला था ना एआई आज है कल उसका चार्म नहीं होगा, इसका चार्म हमेशा रहेगा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझिए, नोट करें इसको, ये ना सवाल बिलावजह का ना पूछे, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, उतना टाइम इसको इसके ऊपर लगाइए प्लीज, राइट। सबसे पहली चीज प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, इंस्टा 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 इंस्टा, ये फेसबुक आ गया इंस्टा। तो इसका मतलब है कि देखो अगर मैं चश्मे का काम शुरू करना चाहता हूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, इंस्टाग्राम से, नो डाउट अबाउट इट, कामयाब लोग यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात क्या है, किस किस्म के एड रन हो रहे हैं, ये देखो व्हाट्सएप, ये भी व्हाट्सएप, यानी कि लोगों को व्हाट्सएप में लेकर आ रहे हैं, व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, ये वेबसाइट हो गया व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, ये भी व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, सारे व्हाट्सएप है। इसका मतलब क्या है, लोगों को ये इंस्टाग्राम में एड रन कर रहे हैं और व्हाट्सएप लगा दो दोस्त, बस फ्री में यार थक गया होगा। अब यहां देखो